में जब चलती है गाड़ी हाँ। तो गाड़ियों में क्या रहता है, मिट्टी धस जाती, मिट्टी आती है ना सर हाँ हाँ। तो ये एलिवेटर दोनों चोक हो जाते थे हाँ। सभी कंबाइन में होते हाँ थे हाँ हाँ हाँ। इसमें चार नट दे रखे हैं, इसको खोल लो, मिट्टी चल खोल के ना आप दो मिनट में इसमें खत्म कर सकते हो, पहले कपड़े करके आप गाड़ी चालू कर लोगे। नहीं, पहले घंटों टाइम खराब होता है किसान भाई, मिट्टी आने से नीचे से खोलना पड़ता, मिट्टी निकालनी पड़ती, समय बहुत खराब होता है, उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने से चार नट खोलिए, मिट्टी बाहर बाहर। अच्छा अच्छा, इसका ये दे रखा जो इसका कटर है हाँ, हाँ। अदर गाड़ियों से कटर इसका नीचे रहता है सर, सोयाबीन बिंच अनुसार आप मतलब दो इंच के समथिंग भी इसमें काट सकते हो, काट सकते हो। मध्य प्रदेश में एक ही अगर सोयाबीन 95 लगा रहे हो तो उसमें फलियां बहुत ज्यादा रहती है हाँ। वो समस्या इस मशीन में नहीं आने, जीरो जीरो हो जाएगी है ना, जीरो जीरो बिल्कुल जमीन के नीचे से काटेगी। बाकी अगर मिट्टी आती है हाँ। तो उसके अंदर एक फीचर दे रखा, चार नट खोल के आप मिट्टी आराम से निकाल सकते, निकाल सकते हो, समय भी कम लगता है उसमें। सर एक फीचर और दे रखा इसमें, हमने जालीब दे रखी नीचे। अच्छा अच्छा हाँ, मिट्टी अगर ज्यादा मिट्टी आएगी तो साथ ही साथ ग्रेडिंग होगी, मैंने आपको बताया था टैंक 000 ग्रेडिंग वाला सिस्टम दे रखा हाँ, हाँ, हाँ। वो इसी गाड़ी में दे रखा। अच्छा अच्छा, नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मल्किस 997 डिलक्स मॉडल के बारे में। इसका फुल रिव्यू किसान भाइयों मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। किसान भाइयों, प्राइस की भी हम बात करेंगे, इससे पहले सबसे पहले बात करते हैं हम ऑनर से। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर नाम बताइए अपना। नरेंद्र राठौर सर। और सर डीलरशिप कहाँ है अपने? सर सर बदना और पिटला रोड पर सर, मध्य प्रदेश में स्थित है जी सर। सर मल्किस जो कंबाइन हार्वेस्टर है इसकी सर विशेषता है थोड़ी समय बताइए, हमारे किसान भाइयों को बताइए जी। सर ये गाड़ी अपने आप में एक अनोखी गाड़ी है सर जी, ये लो मेंटेनेंस गाड़ी है। अच्छा, किसानों के लिए बहुत व्यवस्थित गाड़ी है हाँ। बिना खर्च की गाड़ी है, डीजल मेंटेनेंस भी अच्छा है और गाड़ी की रिपेयरिंग टूट फूट वगैरह बिल्कुल लो मेंटेनेंस है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, सोयाबीन में सर सबसे मजबूत गाड़ी है। अच्छा, इसकी डिमांड सोयाबीन से ज्यादा रहती है सर। अच्छा अच्छा, और सर अगर इंजन की बात कर लेते हैं हाँ जी सर, तो इसके सर इंजन कितने सीसी है? सर इसका इंजन अभी 133 एचपी का आ रहा है। अच्छा, 135 एचपी का, 133 एचपी का, 33 जी जी। BS4 इंजन आ रहा था, उसके पहले 101 एचपी अशोक लीलैंड आ रहा था सर। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी सर। बाकी सर और विशेषता बताइए इस मशीन के बारे में। सर इस मशीन की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इस गाड़ी का, हाँ जी सर, इस गाड़ी की सबसे बड़ी विशेषता ये है सर, जो गाड़ी की थ्रेसिंग सिस्टम है हाँ, हाँ, हाँ। कटिंग वगैरह जो हाँ। वो प्रॉपर तरीके से होती है। अच्छा, कटिंग अगर होती है जमीन से कटर से लगाओ तो सोयाबीन 95 भी आप इससे आराम से काट सकते हो। अच्छा अच्छा अच्छा, साइड में छोड़ने की या तोड़ने की या कोई दिक्कत नहीं आती है। अच्छा अच्छा, दाना तोड़ने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, दाना टैंक में सबसे सुंदर निकलता है, व्यवस्थित निकलती है। और गाड़ी का मामला एक नंबर है, ग्रेडिंग मामला जो इसके अंदर डायरेक्ट दे रखा अभी कंपनी ने, कंपनी ने हाँ। सोयाबीन अपग्रेडिंग करने की जो प्रॉब्लम रहती थी ना पहले हाँ हाँ। वो डायरेक्ट इसमें सफाई के सिस्टम इतना दे दिया कि डायरेक्ट ग्रेडिंग हो जाती है, डायरेक्ट मंडी करिए आप सोयाबीन निकाल के, ये मेन तो ये है ना। कंपनी ने बोले किसान भाइयों कई चीजें इसमें जो है चेंजेस कर दिया गया है। बाकी सर इसकी बात कर लेते हैं आप, तो ये भी ऑटोमेटिक दे रखा है कंपनी ने जी सर, ये ऑटो ओवर दे रखा है जो समय की बचत करेगा किसानों की। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वो जो बार बार लगाना पड़ता था वो पिक्चर अब खत्म हो गई है, डायरेक्ट बटन सिस्टम दे रखा है कंपनी ने हाँ। जब ट्राली टैंक लोड हो जाता है जब इसको लगाना पड़ता है। अच्छा, इसके पहले लगाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए भी दे रखा है कि जो खंभे रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं खेतों में हाँ। उससे भी ये बचत करेगा सर। अच्छा, वो सर वो ध्यान नहीं रहता है और उसमें लग जाता है हाँ, नुकसान हो जाता है, नुकसान हो जाता है, तार हो जाता है, खेत वाले का नुकसान, दोनों को नुकसान होता है उसमें जी सर। बाकी इसकी विशेष ध्यान रखा है कंपनी ने ना सर। बाकी सर टायर की बात करें तो 18-4-30 का आता है इसमें ना जी सर, 18-4-30 का टायर आता है, फ्रंट वाला और पीछे वाला 9-16 का आता है सर, 9-16 का जी। इसमें MRF ले लो, गुडियार, अपोलो, जो भी आपकी इच्छा, किसान की इच्छा के अनुसार इसमें टायर डालते हैं। अच्छा अच्छा, बात करते हैं सर बुकिंग की, किसान भाई कोई खरीदना चाहता है तो कितने दिन पहले बुकिंग करवाना पड़ेगा उसे? सर इसको हाल तो हाल गाड़ी ले जा सकता है, दो दिन पहले बुकिंग करके आप गाड़ी ले जा सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, जिसकी ये विशेषता है। बाकी सर और जानते हैं इस मशीन के बारे में, जैसे वेट की अगर बात कर लेते हैं तो इस मशीन में वेट कितना है? सर इसका 93 kg वेट सर। अच्छा, जो कि ट्राले सही दे, अगर ट्राला अपन हटा देते हैं हाँ हाँ, तो इस गाड़ी का 86 के करीब इसका वेट होता है। 86 जी सर। अच्छा, गीली जमीन में आराम से चलेगी ये जी सर, वेट कम होने के कारण जी। इसकी एक विशेषता और है सर कि जो सोयाबीन में चलती है हाँ हाँ, जो आगे का हिस्सा है वही पीछे का हिस्सा चलेगा सर। अच्छा, अदर गाड़ियों में वो पिक्चर नहीं है। अच्छा अच्छा, वो साइड का हिस्सा जो पीछे का रहता है वो या तो पीछे रहता है या अंदर रहता है या बाहर रहता है हाँ। लेकिन जो फ्रंट टायर है हाँ। उसी में वो पीछे का हिस्सा चलेगा सर। अच्छा, वही पीछे का हिस्सा चलेगा सर, मैं वो दिखाऊं मैं आपको, तो आप देख सकते हो जो जैसे भैया बता रहे हैं, जैसे जैसे आगे चलेगी वैसे ही पीछे चलेगी जी 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 सर। अच्छा 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 अच्छा, ये हिस्सा जो है ना, अच्छा टायर, जो फ्रंट टायर चलेगा उसी के अंदर चलेगा सर। अच्छा, उसी के अंदर चलेगा ना। बाकी अन्य गाड़ियों में क्या होता है उसके बारे में बताइए, अन्य गाड़ी में क्या होता है? सर अन्य गाड़ियों में तो बहुत सारी चीजें रहती है, लेकिन इसमें जो विशेषता है हमारी गाड़ी की बात। अच्छा अच्छा अच्छा,
बाकी सर इसका सर जो झरना है ये हमने 6 इंच इसको बड़ा कर दिया है। अच्छा, बेड 83 इंच कर दिया सर इसका। अच्छा हाँ जी सर, और इसका जो स्टावकर है ये भी बड़ा दिया है। अच्छा, 5 कर दिए ना पहले? जी जी जी, बड़े भी कर दिए जी। अच्छा 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 अच्छा। और सर टूल बॉक्स इसके अंदर ही है, डायरेक्ट आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बैटरी एक साइड एक्सप्रेस की आती है। हाँ। कटर में मोटर दे दी है सर। अच्छा सर, मोटर की विशेषता, मोटर का देना सर उसके? सर मोटर की ये विशेषता है कि जो खंबा है, होल है या कोई तार वगैरह लकड़ी आ जाती है जो कटर में, उसके नुकसान को ये बचाती है सर। अच्छा, ये गाड़ी में ही स्लिप हो जाएगी बेल्ट, रुक जाएगी सर। अच्छा, अंदर की ओर भी जा पाएगा, थ्रेशर में नहीं जा पाएगा आपका कहने का मतलब ये ना? अच्छा अच्छा अच्छा। सर कटिंग की अगर बात करें सर, कितने फीट कटर आता है इसके अंदर? सर ये 14 फीट 12 फीट 10 फीट जो आपको किसान की स्वच्छता के ऊपर है सर। अच्छा अच्छा अच्छा। गाड़ी जो डिमांड चाहिए इसमें 36 इंच से लगाकर 54 इंच तक गाड़ी हमारे पास उपलब्ध है। अच्छा, उपलब्ध है ना। बाकी इंजन आपने बता ही दिया इसका? हाँ जी हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और सर इसकी विशेषता है कुछ अगर आपको पता हो तो? सर इसकी विशेषता ये है कि गाड़ी जो जो कार जैसी इसमें फीलिंग आती है सर। अच्छा अच्छा हाँ। वाइब्रेशन आप जीरो बता रहे? जीरो बता रहे सर। हाँ। कुछ भी नहीं है इसका वाइब्रेशन। और जो क्रूज कंट्रोल नहीं आता था गाड़ियों में? हाँ। वो BS4 में सारी गाड़ियों में इंजन में हो गया है वो सर। अच्छा, क्रूज अच्छा। कंट्रोल वाला मामला गाड़ियों में। अच्छा अच्छा। एक बार बटन से सेट कर दो। हाँ। कोई दिक्कत ही नहीं। गाड़ी में GPS लगा हुआ सर, जितनी कटिंग करेगा इतनी बता दी जाएगी। अच्छा हाँ, किसान घर बैठे आराम से देख सकता है गाड़ी को। अच्छा, कितना डीजल है गाड़ी, कितनी चल रही है गाड़ी में, यूरिया कितना है, सब बताएगी सर। टोटल चीजें बता देगी, टायरों में हवा कम होगी तो बता देगी जी, बराबर बता देगी जी। सही बात है, समय के हिसाब से गाड़ी बड़ा बदलाव कर दिया गया है। कर दिया सर। अच्छा 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 अच्छा। बाकी सर प्राइस की अगर एक बात कर लेते हैं, क्या रहेगी सर इसकी? अभी प्राइस चल रही है सर 28 लाख रुपए। जो इस मॉडल की हम बात कर रहे हैं उस मॉडल की बता रहे हो आप? जी, डिलक्स मॉडल की बात कर रहे हैं सर, जो ऑटोमेटिक गाड़ी है पूरी। हाँ, कंप्लीट। हाँ, उसकी 28 लाख रुपए प्राइस है सर। हाँ, उसमें 4 लाख रुपए ब्याज सब्सिडी पे है। अच्छा, जो ब्याज में छूट है सर। अच्छा, ना कि सब्सिडी में, ब्याज में छूट। ब्याज में 3% की छूट चल रही है सर, उसमें आप इसको बुक करवा सकते हैं। अच्छा हाँ जी सर। अच्छा, ये भी है। बाकी किसान भाई और मैं गाड़ी दिखाऊं पूरी एक बार? इसका ब्लोर बड़ा कर दिया है, ब्लोर की डबल सेटिंग कर दी है सर। हाँ। जो हवा की सप्लाई डबल देगा सर। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी हाँ। बाकी पुली वगैरह का सर एक था पहले, पुली वगैरह चलने के लिए? चेंज करने की कोई जरूरत नहीं सर, इसमें 5 गियर अवेलेबल कर दिए गाड़ी ने। अच्छा, पहले से रेगुलर कर दिए सर। अब वो पुली चेंज करने की कोई जरूरत नहीं, झंझट नहीं है किसान भाइयों को? कोई भी जरूरत नहीं सर। अच्छा अच्छा। इसमें डिस्क ब्रेक दे दिए सर। हाँ, फिटर स्टील का दे दिया सर। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, गाड़ी में अधिक जो उपयोग करा स्टेनलेस स्टील का अधिक उपयोग करा। ये फैन दे दिया है ड्राइवर को, ऊपर धूल मिट्टी ना लगे सर। अच्छा, ये उसके लिए दे रखा है? जी जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा। एक विशेषता हमारी ये है, जो सोयाबीन में जब चलती है गाड़ी। हाँ। तो गाड़ियों में क्या रहता है, मिट्टी धस जाती, मिट्टी आती है ना सर। हाँ हाँ। तो ये एलिवेटर दोनों चोक हो जाते थे। हाँ। सभी कंबाइन में होते थे। हाँ हाँ। इसमें 4 नट दे रखे हैं, इसको खोल लो, मिट्टी खोल के ना आप 2 मिनट में इसमें खत्म कर सकते हो। पहले कपे करके आप गाड़ी चालू कर लोगे? नहीं, पहले घंटों टाइम खराब होता है किसान भाई। मिट्टी आने से नीचे से खोलना पड़ता, मिट्टी निकालनी पड़ती थी, समय बहुत खराब होता है। उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने से 4 नट खोलिए, मिट्टी बाहर। अच्छा अच्छा अच्छा। एयर टैंक अंदर ही दे रखा है, ऑटो क्लीनर दे रखा है, सफाई करने की जरूरत नहीं। बाकी अगर डीजल टैंक की अगर बात करें, डीजल टैंक भी सर अंदर ही दे रखा है। अंदर ही दे रखा है नहीं? और ये अपनी पूरी मशीन की जो है भाई, आगे आप देख सकते हो जो भी दे रखा है पूरी कंप्लीट आप यहाँ पे देखने को मिलेगी। डीजल टैंक कितने का है सर इसका? 480 लीटर। 380 लीटर। 380 लीटर जी डीजल टैंक है इसका। और इंजन 133 cc का इसके अंदर ना सर? जी जी सर, 133 cc का इसके अंदर इंजन लगा हुआ है। बाकी अगर बात करें सर कटर के बारे में, बाकी सर कटर के बारे में अगर बात कर लेते हैं तो 14 फीट कटिंग के साथ काम करता है ये? जी सर। कटिंग भी 14 फीट करा है, 13 फीट कटिंग सर ये प्रॉपर आप ड्राइवर के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा अच्छा अच्छा। खेत के फील्ड के ऊपर भी डिपेंड करता है। अच्छा, आप कितना काम कर रहे हो? सही बात है, कैसा करना है, मतलब ऊंची नीची जगह होगी तो आप 10 फीट भी ले पाओगे इसमें। हाँ, 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 ये प्रॉब्लम भाई। क्वालिटी अगर बात करें भाई तो क्वालिटी सर, लेकिन एक सिस्टम इसका ये दे रखा जो इसका कटर है, अदर गाड़ियों से कटर इसका नीचे रहता है सर। सोयाबीन बिंचानुसार आप मतलब 2 इंच के समथिंग भी इसमें काट सकते हो। मध्य प्रदेश में ये की अगर सोयाबीन 95-60 लगा रहे हो तो उसमें फलियां बहुत ज्यादा रहती है। हाँ। वो समस्या इस मशीन में नहीं आने, जीरो जीरो हो जाएगी ना, जीरो जीरो बिल्कुल जमीन के नीचे से काटेगी। बाकी अगर मिट्टी आती है हाँ। तो उसके अंदर एक फीचर दे रखा है, 4 नट खोल के आप मिट्टी आराम से निकाल सकते हो। समय भी कम लगता है उसमें सर। एक फीचर और दे रखा है इसमें, हमने जालिब दे रखी नीचे। अच्छा अच्छा। हाँ, मिट्टी अगर ज्यादा मिट्टी आएगी तो साथ ही साथ ग्रेडिंग होगी। मैंने आपको बताया था टैंक 000 ग्रेडिंग वाला सिस्टम दे रखा है। हाँ, हाँ, हाँ। वो इसी गाड़ी में दे रखा है। अच्छा अच्छा अच्छा। सर टैंक की अगर बात कर ले तो कितनी सोयाबीन आती है इसमें? सर इसमें 19 क्विंटल के समथिंग सोयाबीन आती है और 21 क्विंटल के समथिंग इसमें गेहूँ आता है। अच्छा, गेहूँ आता है ना जी। अच्छा अच्छा।
ये भी है, बाकी थोड़ा सा ऊपर चढ़ के मैं आपको दिखाऊंगा मशीन के बारे में। तो किसान भाइयों अगर ऊपर बात करते इस मशीन में तो आपको एस सीरीज का 6 सिलेंडर इंजन देखने को मिलेगा जो काफी पावरफुल है। एस सीरीज का है ना भाई इसके अंदर इंजन? साइलेंसर आप देख सकते हो, बाकी BS4 मॉडल है ना भाई ये, BS4 मॉडल है। ग्रीन टैंक की अगर बात करें किसान भाई तो आपको सामने देखने को मिलेगा। छतरी भाई इसमें लोहे की दी गई है ना, फाइबर है, टैंक का पूरा पानी जैसे बारिश गिरती है ना, उसी बारिश में अपना जो माल रहता है अच्छा गीला नहीं होगा, उसके लिए अलग सुविधा दे रखी है भाई। अंदर पानी नहीं जा पाएगा ना, कहने का मतलब अच्छा पूरा टैंक जो है पैक है। ये है भाई, आगे मैं आपको और दिखाऊंगा। अच्छा ये आप इंजन देख सकते हो किसान भाई, 6 सिलेंडर एस सीरीज का इसके अंदर इंजन लगा दिया गया है। कंपनी ने कई बदलाव के साथ किसान भाई इसको जो है लॉन्च किया है। बाकी सर इसकी बात करें तो ये क्या दे रखा है यहाँ पे, इसके बारे में बताइए। अच्छा अच्छा पार्ट्स वगैरह आप रख सकते हो यहाँ पे ना, मतलब टूल बॉक्स बोल सकते हो एक तरह से, टूल बॉक्स है। बाकी किसान भाई मैं आगे भी आपको दिखाऊंगा। ये अपना ऑटो क्लीनर हो गया भाई, ये ऑटोमेटिक जैसे गाड़ी स्टार्ट होगी ऑटो धूल मिट्टी भाई साफ ऑटोमेटिक कर देगा ये ना, सब कर देगा। अच्छा अच्छा बाकी अगर इसके डैशबोर्ड की अगर आगे बात करें भाई तो क्लच में बहुत सारे ऑप्शन दे रहेगा, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए भाई ये क्या दे रखा है। भाई साहब ये हमारी गड्डी में ये एंड ब्रेकी, अच्छा ये क्लच यहाँ रुक जाएगा, ये ब्रेक और हाथ का भी है, ये क्या रखा है इसके अंदर, सोचता हूँ ये क्या रिवर्स गियर अलग से रखा है इसके अंदर, क्या ये क्या है फिर, ये रिवर्स है ना, हाँ वही तो पूछ रहा हूँ ये रिवर्स है। बाकी डाउन के लिए आप कटर चलाने के लिए हाई लो ये डाउन हो गया, वो डाउन हो रहा है देखो, अच्छा ये डाउन हो जाएगा ना, ये डाउन हो गया, अच्छा 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 ये आप ऊपर हो जाएगा, अच्छा अच्छा अच्छा। बाकी बैठने के लिए आपको वहाँ पे एक सीट देखने को मिलेगी, एक ये गिन जो अपना होता ना कंडक्टर, हाँ हाँ हाँ। बाकी हाइट की अगर बात करें भाई तो हाइट काफ़ी अच्छी दे रखी है ऊपर, बिल्कुल ये। बाकी सर इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं तो अपना ये क्या काम कर रहे हैं बताइए, ये अपना पीछे का जो चलता है, अच्छा स्टोर वॉकर चलाने के लिए, स्टोर वॉकर चलाने के लिए सब ये डाउन नहीं कर, अच्छा थ्रेशर भाई लिखा हुआ है इसके ऊपर आप देख सकते हो, ये लीवर दे रखा है, हाँ। बाकी ये कटर बार का दे रखा है, ये अपना फैट लीवर दे रखा है, ये अपना धान निकालने का है ना, हाँ ये वाला धान निकालने का है। ग्रीन टैंक किसान भाई यहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो ये है भाई वीडियो में, अगर जानकारी अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।